हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू द वंशकास आर्ट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज मैं आ गई हूँ वापस अपनी न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्राइंग। लाई हूँ हम सभी के फेवरेट हनुमान जी की ड्राइंग, और ये ड्राइंग करने वाली हूँ मैं एक्सपेंसिव पेंसिल कलर्स के और ब्रुश्टो के पेंसिल कलर्स हैं। अभी मैं आप लोगों को वो कलर्स भी दिखा दूँगी, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा पेंसिल कलर के बारे में बता देती हूँ। ये पेंसिल कलर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाले हैं और इनसे कलर टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है अगर आप ढंग से इन्हें यूज़ करें तो। तो पेंसिल कलर हमारे ब्रुश्टो के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, 800 से ऊपर इनके प्राइस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप लोग देख लीजिए, ये हैं ब्रुश्टो के हमारे कलर पेंसिल्स। इसमें सारे स्किन टोन हैं जिससे हम सारे स्किन टोन बना सकते हैं। इसमें 24 शेड्स आते हैं और 24 शेड से ही हम सारे स्किन टोन बनाते हैं। तो फर्स्टली मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर मेरी ब्रश पेन भी रखी हुई है और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी होते हैं अगर आप ज़्यादा शार्प करें ना। तो अभी मैंने इतने कलर्स यूज़ कर लिए क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आप लोगों को ये कलर्स स्मूथ पेपर पर ही यूज़ करने हैं। और मैं इसमें ड्राॅइंग में जेली रोल पेन भी यूज़ करने वाली हूँ। वाइट कलर पेंसिल का तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, अगर आप चाहें तो डॉम्स पेंसिल कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं एक्सपेंसिव कलर से यूज़ करूँगी। और नेक्स्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट आइटम ये है डॉम्स की मेटलिक जेल पेन है, और ये बहुत ज़्यादा शाइन भी करती हैं। और इसमें कुछ इतने कलर्स आते हैं, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रही हूँ, ये कुछ इतने कलर्स हैं, बहुत अच्छी है। और आप लोग इन्हें ज्वेलरीज में हाईलाइटिंग देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं इन्हें पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आप लोगों को इन्हें यूज़ भी करके दिखा देती हूँ। ये है ब्लू कलर और इसकी शाइनिंग पैकेजिंग में ही बहुत अच्छी दिखती है, देख लीजिए, हाथ पर भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और ये बहुत टाइम तक भी चलते हैं ये। और गाइस, आउटलाइन मैंने पहले से ही बना कर रख ली है, ये हमारी आउटलाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। साइड पे मैं आप लोगों को रेफरेंस फोटोग्राफ दे देती हूँ, मैं इसे ड्रॉ करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव पिक्चर होने वाली है ये। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ फर्स्ट शेड के लिए फर्स्टली ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर से हम डार्कनेस साइड्स को पहले हाईलाइट करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए। सो गाइज, अभी मैं फर्स्ट कर रही थी ब्राउन शेड, और हम लोगों को फर्स्टली डार्क से शुरू करना है, उसके बाद फिर लाइट से इसे ब्लेंड करना है। कई लोगों की ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम कलर्स को कैसे ब्लेंड करें, तो पहले हमें लाइट चाहिए, फिर डार्क चाहिए, फिर से अगेन लाइट चाहिए। गाइज, मेरे को आइज़ वगैरह और आईब्रोज वगैरह कंप्लीट करने के लिए फर्स्टली मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन ब्रुश्टो का, एंड ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। देन हम तिलक यूज़ करने के लिए बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बहुत ही ज़्यादा लाइट येलो, एंड जो सेकंड साइड है फेस की उसको भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी जैसे ये फर्स्ट साइड कंप्लीट करी थी। हम रेड लेंगे, थोड़ा ब्राउन कलर लेने वाले हैं, और हम लोगों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना है रेफरेंस फोटोग्राफ को, तभी हम उसे एकदम सेम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसे मेरे को 20+ आवर्स ऑलरेडी लग चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से और बारीकी से इसे कंप्लीट करना है। फेस कलर मैंने डार्क कलर इसमें यूज़ किया है। और गाइस, जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाओ, वंशिकास आर्ट्स से है मेरा अकाउंट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जल्दी जल्दी से फॉलो करो एंड वहाँ पे भी मेरे थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देख ही लो। एंड देन अब मैं ये नीचे साइड भी कंप्लीट करने वाली हूँ। और गाइज, अगर आपको ड्रॉइंग को रियलिस्टिक एंड रियलिज्म और ज़्यादा बनाना है तो आप लोगों को छोटे से छोटे पार्ट उसके कवर करने पड़ेंगे, मतलब छोटे से छोटे एरिया उसके एकदम कवर करने पड़ेंगे, जिससे आपकी ड्रॉइंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और पेंसिल को हमेशा आप पीछे से पकड़िएगा, मैं अभी आईज़ वगैरह कर रही तो इसलिए मेरे को तो आदत है आगे पकड़ने की, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग पीछे पकड़िएगा तो आप लोगों की ड्राइंग अच्छी आएगी। और आप लोगों को अपनी पेंसिल पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अपनी पेंसिल पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपकी ड्राइंग वहाँ पर ख़राब होने के चांसेस भी रह सकते हैं। कई लोगों के यही क्वेश्चन रहते हैं कि आपका जैसा क्यों नहीं ड्रॉ कर पाते, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि गाइस आप लोग पेंसिल पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। पेंसिल पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेंसिल हिल जाए तो ड्राइंग का भी वहाँ पर तबाह होना चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन गाइस, मैं बियर्ड बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्टली डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन से सारे हाइलाइट्स दे देंगे, जहाँ डार्क करना है वहाँ पर सारी डार्क शेड्स मैं ब्राउन कलर से दे रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर है। और उसके बाद मैं इस पर ब्लैक कलर से कोटिंग करूंगी और जेली रोल पेन यूज़ करूंगी, और जेली रोल पेन यूज़ करने वाली हूँ मैं सकूरा की। और गाइस, अपनी पेंटिंग को आप जितना टाइम दे सकते हैं आप लोग उतना टाइम दे दीजिए, क्योंकि गाइस जितना आप लोग टाइम देंगे अपनी पेंटिंग को, वो एंड में उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी। और टाइम लेके बहुत ज़्यादा बनाना है और अच्छे से पेंसिल पर कंट्रोल रखना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर बियर्ड एकदम कंप्लीट हो ही गई है, अब बस हाईलाइटिंग देनी रह गई है। येलो कलर से मैं थोड़ा हाईलाइट दे रही हूँ जिससे मिक्स हो जाए, एंड देन ब्राउन करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर ब्लैक की कोटिंग। ब्लैक की कोटिंग करने के बाद फिर हम देंगे जेली रोल पेन से एंड कटर से नाइफ से उन्हें और बारीकी देंगे, तो आप लोग पहले देख लें। देन गाइस, हम लोगों को पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प रखनी है जिससे बियर्ड्स हमारी और ज़्यादा शार्पनेस आ पाए।
आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा शार्प करके पेंसिल को यूज़ किया है। मैं यूज़ कर रही हूँ डॉम्स की पेंसिल कलर, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है ब्रश्टो की पेंसिल कलर का, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और स्मूथ भी होते हैं तो ज़्यादा काम भी आते हैं वो। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर हाईलाइटिंग देने के लिए, वाइट वियर्ड्स बनाने के लिए। तो ऐसे आप लोग बीच बीच में अपनी तरफ से हाईलाइटिंग दे दीजिएगा। मैंने रेफरेंस फोटोग्राफ को देख के ऑब्जर्व किया था एंड देन मैं नेक कंप्लीट कर रही हूँ। नेक को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्टली ब्राउन और रेड कलर डार्कनेस देने के लिए। पेंसिल को बिल्कुल भी टाइट प्रेशर से अप्लाई नहीं करना है आप लोगों को, स्मूथली प्रेशर से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप डार्क करेंगे तो आप लोगों को बाद में रेज करने की भी प्रॉब्लम रहेगी और बाद में जब हम लाइट शेड करेंगे तो उसमें डार्कनेस के स्पॉट्स भी आ सकते हैं। डार्कनेस देने के लिए मैंने ब्राउन कलर यूज़ कर लिया है और उससे थोड़ी मुझे कम लग रहा है, तो मैं ऊपर से ब्लैक और उसकी कोटिंग कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा और शेडो का फील आएगा। तो शेडो की फीलिंग अब धीरे धीरे आने लग गई है और अब साइड में मैंने थोड़ा वैसा रेफरेंस फोटोग्राफ है उड़ते हुए, तो उड़ने में ज़्यादा कुछ उनके है नहीं है, लेकिन वियर्ड के नीचे डार्क ही रखते हैं तो हम लोग डार्क ही रखेंगे। तो मैंने भी ब्लैक कलर से डार्कनेस दे दी है एंड देन अब मैं इनकी ज्वेलरीज बनाऊंगी। ज्वेलरीज का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कई सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हाइपर रियलिज्म ज्वेलरीज कैसे ड्रॉ करें। तो हाइपर रियलिज्म ज्वेलरीज ड्रॉ करने के लिए ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इजी है। तो मैं फर्स्टली तो कलर्स को बहुत स्मूथली अप्लाई करूँगी, डार्क ब्लू से फर्स्टली कवर करना है एंड देन उसे मिक्स करने के लिए मैंने वाइट कलर से ऊपर कर दिया है इसे ब्लेंड, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आप लोगों को थोड़ा शेडो देना है तो आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करी है, ग्रेफाइट पेंसिल बहुत ईजी रहेगी उन पेंसिल कलर को मतलब ऊपर कवर करने के लिए। एंड मैंने ले लिया है डॉम्स की ब्रश पेन ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए। ज्वेलरीज का पार्ट बहुत इजी है गाइस, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं सबसे ज़्यादा इजी टेक्निक आप लोगों को बताने वाली हूँ आज। मैंने पहले तो ब्रश पेन से इसे येलो पार्ट कवर कर दिया है एंड ऑरेंज कलर से मैं इसमें देने वाली हूँ नीचे, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करने वाली हूँ। ऑरेंज कलर से मैं बनाऊँगी ज्वेलरी का शेड सारे। तो अभी मैंने इनके स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। स्टोन्स के लिए मैं फर्स्ट करूँगी इन लोग, मैंने ज्वेलरी ग्रिड आउटलाइन वीडियो ऑन भी किया था लेकिन मेरी तरफ से वो वीडियो ऑन नहीं हो पाया है। मुझे लगा कि वो ऑन हो गया है लेकिन बाद में चेक किया तो वीडियो ऑन नहीं हो पाया है, आधी ज्वेलरीज रह गई हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को नीचे की ज्वेलरी बता देती हूँ कि नीचे की ज्वेलरी कैसे बनानी है, और इसी टेक्निक से मैंने ऊपर वाली ज्वेलरी बनाई है। और हाईलाइटिंग तो आप अपनी तरफ से देख दोगे रेफरेंस फोटोग्राफ देखकर, जैसे मैंने ब्लू वाली ज्वेलरी की हाईलाइटिंग दी है वैसे अब मैं ये नीचे और उसके एक और ब्लू वाली है उसको भी हाईलाइटिंग ऐसे ही दूंगी। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ज्वेलरीज बनाने का पार्ट अच्छा लगा या नहीं। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट कलर से मैं और हाईलाइटिंग देने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने इसका शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी है और इंस्टा पर भी है और मेरा मौज पे भी चैनल है, तो तीनों पर जाकर चेक करना। बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती हूँ। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अभी आगे देख तो लो, अभी कहीं मत जाओ। इस एक्रेलिक कलर से मैं पॉइंट पॉइंट ऐसे बना रही हूँ। आप लोग पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो ख़त्म हो चुकी हो पेन उसकी निब का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पिन का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई ऐसी पतली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग हाईलाइटिंग दे सकें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ बॉल पेन का जो फिनिश हो चुकी है यहाँ पर, और ये चलती भी नहीं है, तो इसमें इंक लेकिन ये चलती नहीं है, तो आज मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेती हूँ। और ऑरेंज कलर को शार्प करने के बाद अब मैं इसमें और मोर हाईलाइटिंग दे रही हूँ मुकुट में।
गाइज यहाँ पर हमारी आधी पेंटिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अब इसका एकदम बैकग्राउंड रह गया है और बैकग्राउंड बनाने में टाइम लगने वाला है, तो बैकग्राउंड बनाने में मैं बहुत क्रिएटिव कलर यूज़ करने वाली हूँ और यूज़ करने वाली हूँ चौक वाले कलर अपने यूज़ करने वाली, सॉफ्ट पेस्टल कलर यूज़ करने वाली हूँ। ये है आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल कलर्स और 36 शेड आते हैं ब्राइट और स्मूथ दोनों ही हैं बहुत ज़्यादा, कैमल के हैं ये और मैंने कई टाइम से यूज़ करे तो बहुत अच्छे हैं और देख सकते हो इनकी हालत क्या हो रही है। तो मैं स्काई कलर का करने वाली, तो स्काई ब्लू कलर मैं ले लेती हूँ, तो पहले तो लाइट कलर से स्टार्ट करूँगी, तो ये रहा स्काई ब्लू लाइट कलर और वाइट कलर भी यूज़ करूँगी, तो अच्छे से पहले तो मैं इसे मिक्स करूँगी। सो गाइज यहाँ पर पेंटिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है और मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।